इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कतर सरकार ने पिछले एक साल से इन भारतीयों को कैद में रखा हुआ था। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता तो यही होता, फिर शेख डिसाइड करता है ना। कि भारत की मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात पकड़ी गई है। पहले कनाडा ने मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों और काले करतूतों का भड़ा फोड़ा, अब कतर ने भी इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारतीय नेवी के साबिक अहलकारों के मकरूह किरदार बेनकाब कर दी है। कनाडा में दहशतगर्दी करने वाले रॉ के एजेंट तो बचकर निकल गए, मगर कतर में काबू आ गए। सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फर्स्ट स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है। ये एक पॉलिसी सामने आ रही है भारत की कि जो उनकी मुसलमान दुश्मनी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों तक महदूद नहीं है, बल्कि अरब ममालिक के अंदर भी वो घुस अपने तस्वीराती मफादात और इसराइल के साथ जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दीगर ममालिक के भी जो हसास और सिक्योरिटी के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौ सैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ये 8 भारतीय कतर में अल देहरा कंपनी के लिए काम करते थे, जो कतर के 9 सैनिकों को ट्रेनिंग देने का भी काम करती थी। कतर की अदालत ने इन पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स पर इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त इसराइल वर्सेस हमास के बीच वॉर चल रहा है। साथ ही अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये मांग भी उठ रही थी कि भारत अपना रुख साफ करे और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे। इसलिए भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कतर ने ये गंदी हरकत की है। शुरुआत से ही कतर कट्टरवादी विचारधाराओं से प्रेरित रहा है। हमास के नेगोशिएटर अभी भी कतर से ऑपरेट करते हैं। आपको बता दें, तालिबान का ऑफिस भी पहले कतर में ही था। कुछ जो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है इसमें पाकिस्तानी ISS के साथ मिलकर कतर ने इन 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में फंसा कर भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सब किया हो। लेकिन इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले पाक मीडिया इस पर क्या बोल रही है और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये अनऑथराइज्ड जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी से वो शेयर कर रहे थे, तो ये जब सामने आई चीज तो फिर इसके सबूतों के साथ इनको कन्विक्ट किया गया। पूरा तकरीबन एक साल ये केस चला है और अब तमाम सबूतों के साथ इनको सजाए मौत इन 8 ऑफिसर्स को दी गई है। तो पहली बात तो ये है कि तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं और इसलिए इतनी सख्त सजा दी गई है। लेकिन इसको आप देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर वकार ने भी कहा कि ये एक पॉलिसी सामने आ रही है भारत की कि जो उनकी मुसलमान दुश्मनी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों तक महदूद नहीं है, बल्कि अरब ममालिक के अंदर भी वो घुस अपने तस्वीराती मफादात और इसराइल के साथ जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दीगर ममालिक के भी जो हसास और सिक्योरिटी के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इसराइल के लिए जासूसी। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हौगा बना है इसराइल का, पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के जासूस, इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबके सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे, इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है। आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो यू नो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता, फिर शेख डिसाइड करता है ना। इन लोगों ने आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी यह बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी, आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील, इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। पर वही चीज होती है, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है,
जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे, लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए रातों रात। अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो के उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे, ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट ईजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है, जिस तरह पहले वो फीफा कराया, आज उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इस खबर से पाक मीडिया बहुत खुश है। इंडिया के खिलाफ कुछ बुरा हो पर पाकिस्तान खुश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाल ही में पाकिस्तान को भारत ने यूएन में करारा जवाब देकर इनका मुंह बंद कर दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में सभी मेंबर देश इसराइल वर्सेस हमास वॉर को लेकर चर्चा कर रहे थे। वहां पर पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर भारत ने कोई रिप्लाई ना करते हुए इन पाकिस्तानियों को कोई तवज्जो नहीं दी। साथ ही अमेरिका ने भी आतंकवाद का साथ देने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की निंदा करने की सभी यूएनएससी मेंबर देशों से अपील की है। और जो 8 भारतीयों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है, वो भारत पर दबाव बनाने के लिए कतर ने ये घिनौनी हरकत की है। हमेशा से कतर हमास फिलिस्तीन का सपोर्टर रहा है। जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, उसके तुरंत बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उस हमले को टेररिस्ट अटैक करार दिया था। भारत का इसराइल की तरफ बढ़ता रुख देखकर भारत को झुकाने के लिए कतर की ओर से यह सब किया जा रहा है। इसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मौत की सजा से हैरान है और भारत अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन 8 भारतीयों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार अपनी कोशिशों में लग चुकी है और हमारा इतिहास भी रहा है। विदेशों में फंसने वाले भारतीय नागरिकों को भारत सही सलामत अपने देश ले आता है। हालांकि ये मामला अलग है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौट आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।